गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स मित्तु जर्नी। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज हम जा रहे हैं हमारे कुलदेवी के दर्शन करने के लिए, वो भी एक हिल स्टेशन पे। तो आज थोड़ी तबीयत मेरी ख़राब है, फिर भी रिस्क लेकर जा रही हूँ, तो बने रहे मेरे साथ वीडियो में, लेट्स गो। तो गाइस, बड़ौदा से हम निकले हैं टू व्हीलर पे और डबोई जाकर हम गाड़ी चेंज करने वाले हैं। तो हम आज जा रहे हैं देवमोगरा माता टेम्पल, जो वडोदरा से 170 किलोमीटर होता है। हम रूट यूज करने वाले हैं डबोई, सेगवा, राजपिपला और डेडियापाड़ा। तो ये है पोईचा पुल जो नर्मदा रिवर को क्रॉस करता है। तो हम ये राजपिपला में एंटर हो चुके हैं और यहाँ पर एक प्रसिद्ध हरसिद्धि माता का टेम्पल है, जो आप देख सकते हो वीडियो में। अभी तो हम रुके हैं गाड़ी में गैस डलवाने के लिए, तो गाड़ी लाइन में खड़ी है, हम लोग बाहर आकर खड़े हुए हैं। एटमॉस्फेयर इतना अच्छा हुआ है, बस मन करता है ऐसे ही ट्रैवलिंग करते रहें। पहाड़ों में जाने के बाद कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है, वो आप देख सकते हैं वीडियो में। अब डेडियापाड़ा करके एक सिटी है, वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। आधा घंटा इतना रास्ता है अभी, उसके बाद 1 आवर का और वे है जो हमें काटना है। मीन्स पूरा 1.5 आवर्स के बाद हम हमारे कुलदेवी के मंदिर पहुँचेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में और आपको भी दर्शन करवाते हैं। आप देख सकते हो वीडियो में ये खेती की तैयारी कर रहे हैं। तो गाइस, हम थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए इधर रुके हुए हैं। एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, इसलिए आगे आगे भी दिखाती हूँ आपको कैसा वे है, कैसा एटमॉस्फेयर और कैसे हिल स्टेशन है। तो वो देखने के लिए बने रहे मेरे साथ व्लॉग में। किसी ने सही कहा है, असली मजा मंजिल का नहीं पर रास्तों का है। तो हम पहुँच चुके हैं टेडियापाड़ा, बस अब थोड़ा ही रास्ता बाकी है। तो ये मंदिर है काड़िया मामा का, जो देवमोगरा माता के रक्षा करते हैं। तो फाइनली गाइस, हम पहुंच गए हैं देवमोगरा माता टेंपल। अभी पार्किंग में खड़े हैं, थोड़े अंदर चलकर जाएंगे तो फिर मंदिर में दर्शन करेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मंदिर में फोटो वीडियो अलाउस नहीं है तो मैं वीडियो कैप्चर नहीं कर सकती हूँ, बट आपको मंदिर कैसा है वो व्यू दिखाती हूँ। ये मंदिर जो पशुपतिनाथ का नेपाल में मंदिर है ना, वैसा ही कुछ बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हो। संडे को कुछ ऐसी भीड़ देखने को मिलती है भक्तों की। सो गाइस, यहाँ पे जो मंदिर बनाया गया हुआ है वो पूरा मिट्टी का, जो नड़िया गुजराती में बोलते हैं, उससे बनाया हुआ है। तो वो कैसा दिखता है मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो में। देवमोगरा माता आदिवासियों की कुल देवी है और मैं भी एक आदिवासी कुटुंब से बिलोंग करती हूँ। देवमोगरा माता के काफी सारे नाम हैं, जैसे कि यह मोगी, पांडोरी माता, सात कुड़ा वाली माता, ऐसे भक्तों अलग अलग नाम से बुलाते हैं। सो गाइस, मेरे तो दर्शन हो गए हैं, बट मेरी फैमिली वाले अभी भी लाइन में खड़े हैं। मेरे दर्शन हो गए हैं, इसकी वजह है मेरी हेल्थ। मुझे खड़े रहने में भी खड़े रहने की भी एनर्जी नहीं थी, तो डायरेक्ट दर्शन हो चुके हैं मेरे। बट अब वेट कर रहे हैं हम यहाँ पे बैठ कर मेरी फैमिली मेम्बर्स का। तो यहाँ पर हम नाश्ता करने के लिए आए थे बट बारिश स्टार्ट हो गई थी, उसके बाद वापस हम मंदिर की तरफ गए थे क्योंकि मेरे पापा के दर्शन बाकी रह गए थे इसलिए। मेरी हालत तो खराब हो चुकी है, ये सब लोग खाना खाने रुके हैं, देखते हैं, वेट करते हैं। अभी बचे हैं 5:30, घर जाने में शायद 3 आवर्स लग जाएंगे, तो बने रहिए आगे दिखाती हूँ बारिश का मौसम है कैसा एटमॉस्फेयर है। तो रास्ते में काफ़ी सारे अच्छे लोकेशन आते हैं। अगर आप एक नेचर लवर हो और प्रकृति के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारे लोकेशन है जो आप एंजॉय कर सकते हो।
बारिश में कुछ ऐसा नजारा दिखने को मिलता है वहाँ का। ऐसे लगता है जैसे हम प्रकृति की गोद में आ चुके हैं। आप देख सकते हो एक साइड पर सन दिख रहा है और एक साइड पर बारिश चालू है। कुछ अनोखा ही मौसम है। जो पहाड़ी एरिया में मेरे पापा का घर है वो भी कुछ ऐसा ही दिखता है। तो रिटर्न में हमने रास्ता चेंज कर लिया है क्योंकि हम जा रहे हैं तिलकवाड़ा और से, क्योंकि हमारा डिनर है हमारी दीदी के घर पे इसलिए। और हेल्थ खराब होने की वजह से मैं पूरा ब्लॉग नहीं बना सकी हूँ। गाइज नाइट में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था तो मैं व्लॉग एंड नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी हेल्थ कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। उसकी वजह से मुझे जॉब से भी 2 दिन की छुट्टी लेनी पड़ी है। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।